हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है सबसे स्पेशल ब्लॉग है। आज का ब्लॉग जो है मेरे शादी का ब्लॉग है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरे जो यहाँ के फ्रेंड हैं उन सभी को पता है, बाकी जो सब्सक्राइबर है उनमें से किसी किसी को पता नहीं है। मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग जो है मेरे खुद के फ़ोन में शूट नहीं हुआ है, मेरे भाई के फ़ोन में, कोई मेरी सिस्टर के फ़ोन में ब्लॉग शूट हुआ। तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं पाया बिकॉज मेरे पास मेरा फ़ोन था नहीं। आपको पता ही है, बिज़ी होते हैं शादी टाइम में। मैं इतना परफेक्ट ब्लॉग बना नहीं पाया। बीच बीच में जो उन्होंने शॉर्ट्स लिए हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्जॉय करिएगा प्लीज़। और फ्रेंड्स, यहाँ से हल्दी लगना शुरू होता है और हल्दी लगते लगते काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि 7 बार, हाँ 7 टर्न होती है हल्दी लगने की, 7 टर्न। काफ़ी टाइम लग चुका था, 1.5-2 घंटे लग चुके थे। मैं भी नींद में था फ्रेंड्स, बिकॉज सोया नहीं था। और हल्दी जो थी काफ़ी सख्त थी, वो मेरे फेस पे ऐसे छिल गया था मेरा फेस एक जगह से। बिल्कुल रेड था। ये देखिए, हल्दी से बटना लगना भी कहते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ में, बटना लगाना। इसके बिना शादी अधूरी होती है एकदम से। इसे ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं गया था नहाने। मैं दिखाते हैं आपको, तब तक एंजॉय कीजिएगा आप। फ्रेंड्स, बटना लगने के बाद, हल्दी लगने के बाद, जीजू ने मुझे उठा लिया नहाने के लिए, क्योंकि जीजू या ब्रदर में से कोई एक उठाते, तो जीजू को सजेस्ट किया उठाने के लिए। जीजू थक चुके थे थोड़ा, उन्हें वेट लग चुका था। तो काफ़ी देर के बाद, इतना मेरा वेट है नहीं बिकॉज काफ़ी टाइम उठाया उन्होंने। उसके बाद भारी लग चुका था मैं। जल्दी जल्दी से नहाने के लिए मुझे भेजा गया। मैं नहा के फिर बाहर निकला। तो उससे उस वीडियो को देखिएगा आप लोग को। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नहा के बाहर निकल चुका हूँ। मेरी मम्मा मेरी आरती उतारेंगी। काफ़ी मज़ा आया इस टाइम पे, एकदम नहा के मैं बाहर निकला। हल्दी से मेरे फेस पे एकदम से लाल हो चुका था फ्रेंड्स, काफ़ी लग रही थी, जलन हो रही थी फेस पे। देखिएगा वीडियो को। चप्पलें डाली थी मैंने पाँव में, मैंने वो भी उतार दी। नंगे पाँव आरती की जाती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरे पाँव में चप्पलें थी, मम्मी ने कहा कि चप्पलें उतार दो। चप्पलें उतारनी पड़ी मुझे बिकॉज नंगे पाँव आरती की जाती है, मुझे याद नहीं था। मम्मा ने कहा चप्पलें उतार दो, तो उतार दी मैंने। उसके बाद ये सब करने के बाद, ये सारी रस्में करने के बाद फ्रेंड्स, मैं 1 घंटे के लिए फ्री हो चुका था। मैं सोने की कोशिश की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं था बिज़ी, मेरा ब्लॉग शूट करी थी शानू मेरी सिस्टर, और मैं काफ़ी बिज़ी था, मुझे लग रही थी हल्दी। फ्रेंड्स, आप जान सकते हो जिन जिनकी शादी होगी कि कितना बिज़ी रहते हैं लोग। अभी कभी मौसम का मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा है। मेरा ब्लॉग शूट किया शानू ने, है ना? अरे मौसम थोड़ा साफ रहना ना, मौसम थोड़ा, हाँ फ्रेंड्स, मौसम थोड़ा साफ रहना चाहिए, बारिश ना हो तो सही लगेगा। बाकी आप करो। ये देखिए फ्रेंड्स, नाचने की तैयारी में, पर कोई नाचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, सारे शर्मा रहे हैं। कुछ यहाँ पे बैठे हैं, कुछ यहाँ खड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, 22 जून को जिस दिन बारात लेके हम वापस आ चुके थे, मेरी मिसेज भावना ठाकुर, उसी दिन दीदी का बर्थडे भी था। वो भी हमने सेलिब्रेट किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सब ने सेलिब्रेट किया, मेरे फ्रेंड्स, दीदी के फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव जितने भी थे, सब ने सेलिब्रेट किया। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कि एक तो घर में बहू भी आई और सेकेंड दीदी का बर्थडे। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उस टाइम पर। और मैं भी इस टाइम मैं यहीं पर था, स्टेज पर बैठा था, मेरी भावना। देखिए, तू तेनू इलम कुड़े, ऐदा नहीं कोई।
सो फ्रेंड्स ये वाइट कुर्ते मिले मेरे पापा पापा को दीदी सबसे पहले फर्स्ट केक खिलाएंगे उसके बाद सबको केक बांटेंगे। सो पापा ने काफ़ी सेलिब्रेट किया। सिंपल से बेचारे पापा कर दिया है केक से बंदर लुक वाले काफी फनी टाइप के काफी शादी पूरी सेलिब्रेट की इन्होंने। बेटा मासी सास को गिरा मत देना। सो फ्रेंड्स ये जब धाम हो चुकी होती है तो उससे नेक्स्ट डे पे पानी के पास जाते हैं जहाँ पे हमारे पानी की बॉडी होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत रस्में होती है रिवाज होती है उसको पूरा कंप्लीट करके फिर घर को आते हैं। फिर उसी दिन हम गए थे भावना के घर अपने यहाँ पे कुलीस देवता जी और जितने में देवी देवता उनको सबको पूजने के बाद हम फिर भावना के घर गए थे वापस। फ्रेंड्स इन लोगों ने सिर्फ इतना ही व्लॉग को शूट किया बारात कब गई कैसे वापस आई वहाँ पे बारात जाके वहाँ पे क्या क्या रस्में थी लड़की के घर में। सो इन्होंने किसी ने वो शूट नहीं किया व्लॉग को। सो अपने अपनी मस्ती में सारे रहे और मैं भी शूट नहीं कर पाया फ्रेंड्स आप समझ सकते हो। सो फ्रेंड्स जितना शूट किया मैंने आपके सामने उसको वीडियो को डाल दिया है। सो आप इसको प्लीज़ इंजॉय कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स और भी बेहतरीन अब शादी के बाद की और भी जितनी वीडियो है मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा और भी व्लॉग अभी तो घूमने भी जाएंगे मैं और भावना। सो आपको दिखाएंगे सब कुछ शिमला जाएंगे कोटखाई जाएंगे काफ़ी जगह भी जाएंगे फ्रेंड्स काफ़ी जगह सोच रखी है हमने जाने की तो दिखाते रहेंगे आपको। तब तक के लिए इंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो को तब तक के लिए टेक केयर रखिएगा अपना ध्यान फ्रेंड्स। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला मुझे चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।